अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल है आप सबका? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक हैं, अपने अपने घरों में सेफ हैं और बिल्कुल खैरियत से हैं। आज है संडे और ये सुबह का टाइम है, फजर का टाइम है, बिफोर सनराइज़। तो प्यारे दोस्तों, आज का संडे जो है सभी के लिए बिल्कुल अलग होने वाला है, क्योंकि आज जनता कर्फ्यू है। हम सबको जनता कर्फ्यू फॉलो करना चाहिए और उम्मीद है सारी पब्लिक इसको फॉलो कर रही हैं और अपने घरों में सेफ रहिए, बाहर बिल्कुल ना जाइए। कोऑपरेट कीजिए गवर्नमेंट के साथ, सभी के साथ, ताकि इस कोरोना वायरस को जल्द से जल्द ख़त्म कर सकें। ये जो है सनराइज़ का टाइम लैप्स लिया है मैंने। एक टाइम पे जो है जानवर कहते थे अपना टाइम आएगा, तो आज उनका टाइम आ गया है, आज उनका दिन आ गया है। परिंदे, चिड़िया, जानवर, कुत्ते सारे फ्रीडम से घूम रहे हैं, उनकी आवाज़ें आ रही हैं, कितना अच्छा लग रहा है। और सब पोल्यूशन फ्री है। सो दोस्तों, चलिए हम लोग भी अपना दिन का शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, मैंने जो है ब्रेकफास्ट में चपाती और तुराई की सब्ज़ी बनाया है। ये जो है रोटी मैं सेक रही हूँ, लंच भी आपके साथ शेयर करूँगी। ये मेरा पहला व्लॉग है, उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। मैंने अपना जनता कर्फ्यू वाला दिन कैसे बिताया है ये आपके साथ शेयर करूँगी। कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग जनता कर्फ्यू का दिन कैसे अपनी फैमिली के साथ बिताए हैं, कैसे अपना टाइम स्पेंड किया है, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैंने भी जो है ग्रॉसरी शॉपिंग कर ली है, मैंने भी थोड़ा बहुत स्टॉक करके रखा है, क्योंकि यहाँ पे जो है हैदराबाद में भी थोड़ी सी कंडीशन बिल्कुल ख़राब चल रही है कोरोना वायरस की वजह से। सारे MNC कंपनीज़ में वर्क फ्रॉम होम दिया गया है और बाहर बिल्कुल ना निकलिए आप सब भी। हाँ जी प्यारे दोस्तों, मैं आ गई हूँ अपनी किचन में और मैं बनाने लगी हूँ लंच। लंच की प्रिपरेशन चल रही है। लंच का मेन्यू जो है तमिलियन स्टाइल चिकन करी और KFC स्टाइल फ्राइड चिकन और वाइट प्लेन राइस, और जो है मैं इसके साथ सलाद लूँगी, यानी कि ककड़ी, कुकम्बर। सो चलिए अभी लंच प्रिपेयर करते हैं, फिर लंच करते हैं और उसके बाद बस ऐसे ही दिन गुजर जाएगा। मोदी जी ने तो अनाउंस किया है कि 5 o'clock को क्लैप्स करना है अपनी बालकनी से या अपने विंडो से खड़े होकर। उम्मीद है आप सब लोग भी करेंगे। ब्रेकफास्ट के टाइम पे जो है मैंने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर ली थी ऑलरेडी, यानी कि प्याज चॉपिंग वगैरह सब कुछ मैंने करके रख लिया था, चिकन भी मैरिनेट करके रख लिया था मैंने। तो बस यही है लंच की प्रिपरेशन। इस टाइम पे जो है सारी सब्ज़ी, सारा सब कुछ महंगा चल रहा है। हाफ लीटर मिल्क जो है 40 rupees है। यहाँ पे अपनी वाली जो किराने शॉप्स होती हैं गलियों में, वहाँ पे जो है 40 rupees है हाफ लीटर, तो 1 liter जो है 80 rupees है। नॉर्मल डेज़ तो 25-28 रहता था हाफ लीटर, अभी जो है 40 rupees हाफ लीटर कर दिया है इन्होंने, पता नहीं क्यों। वैसे तो हम लोग रत्नादीप से लेते हैं, लेकिन अभी तो रत्नादीप, डी मार्ट, मोर सब कुछ बंद है। 31st तक सब कुछ बंद रहेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मॉल्स, शॉप्स, MNC कंपनी सब कुछ बंद है। एम्प्लॉयज़ के लिए तो वर्क फ्रॉम होम दिया गया है, तो सब लोग घर से काम कर रहे हैं।
गवर्नमेंट सब कुछ अच्छा से डिसाइड कर रही है, जो भी डिसीशन जो है पब्लिक की सेफ्टी के लिए अच्छे से कर रहे हैं, और हमका भी फ़र्ज़ है कि हम लोग इनको कोऑपरेट करें, ये लोग जो भी कहेंगे उनको उसको फॉलो करेंगे। इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए, अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, क्लीनिंग कीजिए घर की, डिक्लटर कीजिए, नमाज़ पढ़िए, कुरान पढ़िए, दुआ कीजिए सभी के लिए इस टाइम के लिए, ताकि ये वक्त जल्द से जल्द गुजर जाए, कोरोना वायरस जड़ से ख़त्म हो जाए। तो बस सबकी यही दुआ है, आप लोग भी सेफ़ रहिए अपने घरों में, अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ, खुश रहिए, पॉजिटिविटी रखिए। To the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my heart to get out of this place. I sensed something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple thousands, go on pizza. It's a fruit and you know that. Pineapple thousands, they just don't लंच की प्रिपरेशन जो है मैंने कर ली थी, और यहाँ पे मैंने लंच के लिए रख दिया है। अब हम लोग जो है लंच करेंगे और एक मूवी देखेंगे, बस ऐसे ही अपना लंच का टाइम जो है गुजारेंगे। अपनी बातों में, अपने डिस्कशन में जो है बस कोरोना वायरस के बारे में ही गुफ्तगू कर रहे हैं, उसी की चर्चा हो रही है हर जगह पे, सभी घरों में। दुआ है कि ये कोरोना वायरस की जो हालात हैं जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए, बस यही दुआ है।
शुक्रिया दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने अपना दिन कैसे बिताया है। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना और अपना ज़रूर ख्याल रखना।